न्यूजीलैंड अक्टूबर में भारत में होने वाले आईसीसी विश्व कप के लिए कप्तान केन विलियमसन को अपनी टीम में शामिल करने पर विचार करेंगे। भले ही वहां घुटने की चोट से उभरने के कारण शुरुआती मैचों में नहीं खेल पाएंगे, 5 अक्टूबर को विश्व कप के अपने शुरुआती मैचों में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच मुकाबले होने में अभी 50 दिन से ज्यादा का समय बचा है। कोच गैरी स्टीड ने कहा कि न्यूजीलैंड के चयनकर्ता विलियमसन को अपनी फिटनेस साबित करने का हर मौका देंगे। स्टीड ने कहा, केन दिन प्रतिदिन सप्ताह दर सप्ताह प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं और हम उनके प्रति स्पष्ट और सावधान हैं कि हम बहुत आगे के बारे में ना सोचें। उनसे हमारी आशा के अनुरूप प्रगति की है और संभवतः कुछ मामलों में उनसे भी बेहतर, लेकिन ACL चोटें कठिन हो सकती है। वे हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। हर दिन सप्ताह में यह निर्णय लेने में हमारी मदद करने के लिए कैन के आसपास चिकित्सक विशेषज्ञों को जितना संभव हो सके लाएंगे। स्टीड ने कहा कि अगर विलियमसन ठीक होने के अच्छे संकेत दिखाते रहे तो न्यूजीलैंड उन्हें अपनी विश्व कप टीम में शामिल करने पर विचार करेगा। भले ही वह तुरंत उपलब्ध ना हो, उस टीम की घोषणा सितंबर के मध्य में की जाएगी, जिससे विलियमसन के लिए न्यूजीलैंड में मेडिकल स्टाफ को यहां समझाने की कड़ी समय सीमा तय हो जाएगी कि वहां फिट है। स्टीड ने कहा कि विलियमसन का चयन भले ही उन्हें मैच मिस करना पड़े, कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। स्टीड ने कहा, वहां अभी तक गेंदबाजों का सामना नहीं कर रहा है, लेकिन वह मूल रूप से बाकी सब कुछ कर रहा है। घुटने के साथ हम बस इस बात से सावधान रहते हैं कि वहां कैसे मुड़ता है। उस स्थान पर हम उससे अधिक की उम्मीद नहीं कर सकते थे। यहां देखना उत्साहजनक है कि वहां कहां है और कैसे जा रहे हैं, लेकिन इसका यहां वादा नहीं है कि वहां अभी इस विश्व कप टीम का हिस्सा होंगे। ऐसे ही क्रिकेट न्यूज अपडेट्स के लिए बाबा क्रिक न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें।